बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक अकलमंद नौजवान दानाओं की महफिल में कभी बैठा तो बहस व तकरीर से हमेशा अलग रहता। एक दफ़ा इसके बाप ने कहा, बरखुरदार, तुम दानाओं की मजलिस में गूंगों की तरह चुपचाप क्यों बैठे रहते हो? अकलमंद ने अर्ज की, इबला, इस अंदेशे से कि मुझसे कोई ऐसी बात ना पूछी जाए जिसका जवाब ना दे सकूं और खाम खा शर्मिंदगी हासिल। मेरे दोस्तों, जब भी बुजुर्गों की महफिल में बैठो तो खामोशी इख्तियार करो ताकि किसी भी किस्म की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये हकायत आपको बताई। इस तरह की मज़ीद हकायात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सबका जारिया है। अल्लाह ताला आपको फैलाए।